तो हाय गाइस, वीडियो है प्रेसिंग से कर्ल्स कैसे करते हैं, पूरा हेयर स्टाइल कैसे करते हैं, बाउंस कैसे देते हैं हेयर स्टाइल में, ठीक है, और सेक्शन कितना होना चाहिए कर्ल्स का, सारी चीज़ें दिखेंगे इस वीडियो में हम कैसे करते हैं। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। छोटा सा 2.5 इंच का सेक्शन लेना है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। जो राइट वाला सेक्शन है उसको एक सेक्शन में पूरे में करना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक सेक्शन में करना है, क्यों अभी बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि एक सेक्शन में इसलिए किया है, टाइट कर्ल्स किए बिल्कुल पूरे, मैम को थोड़े लूज किए थे, इसलिए बड़ा सेक्शन लेके टाइट में कर दोगे, फिर उसको 5 कर्ल्स में डिवाइड कर दोगे, वो तो लूज कर्ल्स में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कर्ल बिल्कुल टाइट है। अब मैं इसको ऑलमोस्ट 4 से 5 वे में इसको लाइक सेक्शन में खोल दूंगा, ठीक है। उस साइड वाले में टाइट कर रहा हूँ, इस साइड वाले में लूज करूँगा क्लाइंट को दिखाने के लिए कि मैम आप बता दीजिए आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं, हम वो ही पूरे हेयर पे आपके करेंगे। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं परफेक्ट बाउंस लिया है। अब मैं दूसरी साइड कर रहा हूँ कर्ल्स, ठीक है, पर इस साइड में थोड़े लूज करूँगा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं, ठीक है। और जो ये सोच रहे होंगे ना कि धुआं क्या उड़ रहा है, तो ये बस फ्यूम होता है, ये बताऊँगा बाद में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं उस साइड से भी मैंने एक सेक्शन में पूरा किया है। अब इसको भी मैं खोल दूंगा 4 से 5 सेक्शन में। उधर वाला मैंने लूज़ किया है क्लाइंट को दिखाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 चार उधर के हो गए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ टाइट है, उस तरफ लूज है, ठीक है। क्लाइंट ने मुझे बोला है कि जो लूज साइड है वो वाले कर दो, तो अब हम, ठीक है, इसको अब डायगनली रखेंगे प्रेसिंग को, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बिल्कुल नीचे की तरफ फेस रखेंगे इसका, बिल्कुल सामने मत रखना, नहीं तो बाउंस जहाँ से कर्ल कर रहे हो वहाँ पर ज़्यादा आएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं वही टेक्निक अपना रहा हूँ मैं, कि पूरे बड़े सेक्शन में कर रहा हूँ और फिर इनको डिवाइड कर रहा हूँ 4-4 कर्ल्स में, एक सेक्शन को 4 कर्ल्स में। इससे लूज़ कर्ल्स हो जाते हैं क्लाइंट के, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम आती है लूज़ कर्ल्स करने में, जो चाहते हैं एक सेक्शन में लूज़ कर्ल कर दें, नहीं, एक मोटा सेक्शन लो, उसको पूरा का पूरा प्रेस कर दो टाइटली, फिर उसको खोल दो सेक्शन वाइज सेक्शन। वीडियो को एंड तक देखो, सारा समझ में आ जाएगा। 1-to-1 इंट्रैक्शन चाहिए तो मेम्बरशिप ज्वाइन करो मेरी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और ज़्यादा। सो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, फिर से मैंने एक बड़ा सेक्शन लिया और फिर से वापस से मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कर्ल को, ठीक है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। और जिनके हाइलाइटेड हेयर होते हैं उन पे कर्ल्स बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, तो क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग उन क्लाइंट को आप सजेशन भी देना सीखो कि कैसे सजेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो क्लाइंट ने मुझे बोला है कि मेरे को साइड पार्टीशन चाहिए, ठीक है, तो हम साइड पार्टीशन करेंगे। खुद का दिमाग भी लगाना है, क्लाइंट का फेस सर्कल फेस है, तो उसके अकॉर्डिंगली इनके फेस को साइड पार्टीशन ही जाएगा, क्योंकि सेंटर में तो बिल्कुल मोटा मोटा दिखेगा और थोड़ा बाउंस ही चाहिए लुक इनको, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने स्मूद लूज कर्ल्स हुए हैं, ठीक है, वेव्स दूसरे होते हैं और कर्ल्स दूसरे होते हैं, ठीक है। प्रेसिंग से कर्ल्स ईजीली आप इसमें करोगे, इस वे में करोगे, तो आपसे हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे, ट्राई कीजिए अच्छे से, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि एक तरफ से आपको सेक्शन दिखा दिया अच्छे से, अब दूसरी तरफ से भी उसी सेक्शन के अकॉर्डिंगली ही आपने करना है, ठीक है। और जो क्राउन का सेक्शन होता है थोड़ा सा, जिसमें सेक्शन क्लिप लगी हुई है, उसको छोड़ना है अभी, ठीक है, उसको हम बैक कॉम्बिंग करके कर्ल्स करेंगे, तो उसको अभी लीव कर दीजिए आप, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं लीव ही हुआ है। तो अब इस तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ, ठीक है, उस सेक्शन को कंप्लीट करके दूसरी तरफ आ जाइए, उस सेक्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको बाद में हम छेड़ेंगे, ताकि हम पूरा अपने मतलब हेयर स्टाइल पूरा एक साथ करते हुए चलेंगे, बार बार पीछे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीछे का कंप्लीट करके फिर आगे का कंप्लीट करेंगे। सो आप दूसरी साइड आ जाते हैं, ठीक है, दूसरी साइड एक सेक्शन स्लो कर रहा हूँ, फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, फिर आप प्रोसेस देखो। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बड़ा सेक्शन लिया है मैंने, एक पूरा 2-1 इंच का सेक्शन लिया, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, ठीक है, फिर उसको पूरे को कर दिया है मैंने, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं एक वन हैंड से ही कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो दूसरे हैंड में भी प्रेसिंग रख के कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। इसके देख सकते हैं, इसके भी मैंने 4-5 कर्ल्स कर दिया है, इससे क्या कि बाउंसी कर्ल्स बने रहते हैं अच्छे से, ठीक है। दूसरा जो टाइप है इसका, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो बिल्कुल मतलब पिन वो लाइक सेक्शन क्लिप लगा के उसको होल्ड कर देते हैं, तो वो भी ज़्यादा बाउंसी हो जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे कर्ल्स हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अब थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, आप इसको देखिए अच्छे से।
सो गाइस कर्ल्स कंप्लीट होने के बाद में अब हम बैक कॉमिंग करेंगे, जो सेक्शन हमने छोड़ा था ऊपर उसको मिला के, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर से रूट से लेके, ठीक है, रूट्स तक बैक कॉमिंग करना है। फिर कॉम से ऐसे आप इसको सेटल कीजिए, बाउंस अभी कम मत कीजिएगा, ठीक है, बाउंस आराम से कम कीजिएगा। इन दी एंड हम देखेंगे कितना बाउंस क्लाइंट को चाहिए, तो अभी छोड़ दीजिएगा। जितना आपको अभी बाउंस दिख रहा है इतना बाउंस नहीं रहेगा बालों में, ठीक है। ये अभी स्टार्टिंग है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे आपको बैक कॉमिंग करनी है, ठीक है, कॉम को लेके जाना है। 90 डिग्री पे रखना है अपने सेक्शन को, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पर रख के नीचे की तरफ आपने कॉम को बैक कॉमिंग करना है, थोड़ा रफनेस आएगी रूट्स में, ठीक है। जो छोटे छोटे ऊपर वाले बाल होंगे वो ऐसे आपको बाउंस देंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए फिर उसको, जो सबसे पहले वाला सेक्शन है उसको 90 डिग्री से ऊपर लेके जाना है, 110 120 तक आपने इसको लेके जाना है सेक्शन को, जैसा आप इसमें देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इसको 90 डिग्री पे नहीं करना है क्योंकि आगे से बाल नहीं तो बैक कॉमिंग वाले दिखेंगे, इसलिए इसको 120 डिग्री पे लेके जाके एक अच्छा सा बाउंस देना है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और हमने बाउंस क्रिएट कर दिया है बहुत अच्छा खासा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। इतना बाउंस क्लाइंट को चाहिए, थोड़ा कम करेंगे, क्लाइंट को इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम करने के बाद में देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। सो कर्ल्स कर रहे हो, अगर ये नहीं आता है तो हेयर स्टाइल नहीं कर पाओगे, तो इसको ज़रूर सीखो। उसके बाद में छोटे छोटे सेक्शंस में इसमें आपने कर्ल्स कर देना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बिल्कुल 10 सेक्शंस होंगे इसके, ठीक है। इतने में आपने इसके कर्ल्स अच्छे से निपटा देने हैं, कर देने हैं। पीछे कर्ल्स खत्म करने के बाद में बात करते हैं फ्रंट की। फ्रंट में देख सकते हैं इस तरह से बैक कॉमिंग करनी है अच्छे से, बाउंस इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगी अच्छे से बैक कॉमिंग करके आपने ये ऐसे प्रेस कर, प्रेसिंग से कर्ल करना है। प्रेसिंग से कर्ल्स करना ईजी होता है बहुत, और बहुत सॉफ्ट एंड बाउंसी कर्ल्स आते हैं देन कर्लर। आप प्रेसिंग ही यूज़ करें, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेम इसके ऊपर वाले सेक्शन को देख सकते हैं, ऐसे आपने बैक कॉम करना है पहले, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा बाउंस दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। सो ऐसे आपने पीछे की तरफ करके बहुत अच्छा सा खासा बाउंस देखने को मिलेगा आपको। उसको भी आपने ऐसे ही आपने कर्ल कर देना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कर्ल्स अच्छे कीजिएगा, टाइट कीजिएगा, इसके बाद में आपने स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। वही 90 डिग्री पर करके आपने बैक कॉमिंग करनी है, फिर कर्ल करना है। 90 डिग्री पर रख के फिर आपने बैक कॉमिंग करनी है, फिर कर्ल करना है पूरे सेक्शन में। तो क्लाइंट का मूड चेंज हो गया, क्लाइंट ने बोला कि मेरे को सेंटर पार्टीशन चाहिए, तो सेंटर इन पर अच्छा नहीं लगेगा, पर इनके कहने पे हम एक बार कर देते हैं बस, ठीक है। जैसा कि आप स्टूडियो में देख ही पा रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं कर्ल्स, इनके फेस के ऊपर कितना ज़्यादा सूट कर रहा है। सेंटर से एक सेक्शन आप आराम से छोड़ दीजिएगा। सो अब एक तरफ हो गया है, तो एक तरफ अब वापस से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो वॉच दिस साइड और सीखो इससे कुछ। सो ऑलमोस्ट अब कर्ल्स हो चुके अच्छे से, बाउंस देखिए बैक कॉमिंग करके अच्छे से सेटल करके बैक कॉमिंग को अच्छे से सब कुछ हो चुका, बस एक सेक्शन बचा फ्रंट वाला जो इनका बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर है, ठीक है। आगे से फ्रंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको कर्ल नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा बस हम प्रेसिंग से थोड़ा मोड़ देंगे, बस थोड़ा इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि ये ऊपर ऊपर अच्छा सा फिनिश दे दे बस। क्योंकि अगर इसको कर्ल करेंगे तो ये बिल्कुल छोटा घूम के बिल्कुल अजीब सा लगेगा, तो कभी ये जो सेक्शन दिख रहा है इसको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा करके जो मैम के हाथ में जो सेक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको अभी छोड़ रहे हैं हम, थोड़ा ये कर्ल बचा एक, तो इसको कर देते हैं अच्छे से। देख सकते हैं कितना अच्छे से बाउंस आ गया पूरे हेयर स्टाइल में, इतना तो बाउंस मैम के पूरे बालों में भी नहीं था। सो यही होता है जब आपको अच्छे से हेयर स्टाइल करना होता है, तो एक वीडियो आप ये वीडियो उसी के ट्यूटोरियल के लिए है। तो अब ये फ्रंट सेक्शन देख सकते हैं, बैक कॉमिंग करो अच्छे से, ठीक है, पहले
उसके बाद में आपने इस तरफ घुमाना है जिस तरफ क्लाइंट को चाहिए, ऐसे देखो कॉम लगा के, कॉम लगा के करोगे थोड़ा टाइट होगा और बाउंस देख सकते हो कितना ज़्यादा बाउंस आया है। इस तरह से आपने ये सेक्शन करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको अगर ये करोगे तो, बहुत ज़्यादा सोना लगेगा। इसमें बस आपने इसमें इनवर्ड घुमाना है अपने अच्छे से इसको, और कुछ भी आपने इसमें नहीं करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। बस देख सकते हैं बिल्कुल ये ऐसा थोड़ा सा फिनिश देना है बस, उसके बाद में स्प्रे कर देना। उस तरह से मैंने कर दिया है, सेम ऐसा ही सेंटर पार्टीशन चाहिए था। तो ये कॉम दिख रहा है, ये भी टेल कॉम है पर इसमें 4 टेल है इसकी लोहे की। तो ये वाला यूज़ करें कभी फ्रिस्क को टेम डाउन करना है तो, क्योंकि यही सबसे बेस्ट कॉम होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसकी टेल पे स्प्रे करो और फिर अच्छे से करो ताकि आपका स्प्रे ज़्यादा ना लगे, बिल्कुल नो स्प्रे हेयरस्टाइल जो बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाउंसी आप देख सकते हो कितना अच्छे से फ्लफ आया है हेयर में, देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रही है हमारी क्लाइंट। सो स्प्रे अच्छे से करना, अच्छे से सेटल, क्योंकि इतना सब कुछ आपने कर दिया है तो स्प्रे बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़्यादा ध्यान से करना। लास्ट है ये, इसके बाद मैं आपको पिक्स दिखाएंगे क्लाइंट की, कितना खूबसूरत लग रही है हमारी क्लाइंट कितना ज़्यादा। सो हेयर स्टाइल और मेकअप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक क्लाइंट को अच्छे से सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो। सो ध्यान रखें चीज़ों का, ठीक है। वापस बोलूँगा, 1-to-1 इंट्रैक्शन चाहिए तो आप ज़रूर मुझसे लाइक मेम्बरशिप लीजिए यूट्यूब पे। 89 रुपीज़ इसका नहीं है, इसका ज़्यादा आई थिंक थोड़ा सा। तो एडवांस लाइक आप ब्लू ड्राइव में कर लीजिएगा, ब्लू ड्राइव में हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लाइंट सेल्फीज़ भी लेने लग गई है अभी तक, इसको लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया नहीं तो अभी तक क्लाइंट कंप्लेंट ही करने में लग जाती है इतना टाइम तो क्लाइंट का। सो स्प्रे हमने पूरा कर दिया अच्छे से, वापस से इस तरफ से दिखा दूँ एक बार थोड़ा सा सेक्शन आपको करके, ठीक है, क्योंकि उस तरफ से आपने किया नहीं था ना, इस तरफ से छोटा सेक्शन दिख रहा है, इसको आपने बस ये देखो इतना सा घुमाना है बस, जस्ट लिटिल, ये अंदर की तरफ इन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। सो ये देखो आप क्लाइंट की फोटो लग रही है कैसी लग रही है, कितनी ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है आफ्टर हर हेयर स्टाइल एंड मेकअप। सो आपने अगर बुक करवाना है तो करवा सकते हो, सीखना है तो सीख सकते हो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है हमारी क्लाइंट। और अगर आपको भी ऐसा कुछ चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप मेकअप भी बुक कर सकते हैं, हेयर स्टाइल भी बुक कर सकते हैं हमारे साथ। सो जस्ट आपने कमेंट करना है, मैं आपको बता दूंगा कि हम कहाँ पे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।